गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर लेसन 10, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय रामचंद्र गुहा. यानी ऑथर ऑफ दिस लेसन इज मिस्टर रामचंद्र गुहा. ओके, स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ, कंप्लीट द ईच अदर एंड स्टे फिट. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टूडे. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. यानी ये जो खेल है, जो स्पोर्ट्स हैं, ये हमारे स्वस्थ जीवन का अनिवार्य अंग है. यानी खेलने से हमारा जीवन हेल्दी यानी स्वस्थ बनता है और हेल्दी लाइफ हमको मिलती है. खेल स्वस्थ जीवन का अनिवार्य अंग है. यही एक ऐसा रास्ता है, ऐसा ढंग है या ऐसा तरीका है जिसमें हम हमारा मनोरंजन करते हैं, हम अपना मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं. प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं. हॉकी, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेलों में से आज क्रिकेट सबसे ज़्यादा चहेता राष्ट्रीय मनोरंजन का साधन बनकर उभरा है. हम वास्तव में क्रिकेट कहे जाने वाले इस खेल के बारे में कितना जानते हैं. आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं. द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो. ओके, द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड एवलप्ड enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shapes as hockey sticks, curving towards at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve and the end of the ball, end of the bat gave the batsman the best चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट. ओके, यानी इन दिस लेसन ऑथर सेज दैट क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ. यानी पहले बच्चे गेंद और डंडे से खेला करते थे. ठीक है, गेंद और डंडे के खेलों से पैदा हुआ. बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा. 17वीं सदी में यह खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुका था. ओके, 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह, ओके, हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी. इसकी सीधी सी वजह यह थी कि बॉल लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा. वन ऑफ द पेकुलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन 4-5 डेज एंड स्टिल एंड प्लीज टर्न ओवर. In a draw, no other modern team sports takes even half as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited over match. The shortened version of modern cricket. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट यह टेस्ट
यह टेस्ट क्रिकेट का अजूबा है कि खेल 5 दिन लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। बेसबॉल जैसे लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं, जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की 1 पारी हो पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्यूरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डिमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। क्रिकेट डज नॉट। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिबक इन चेन्नई। अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोजशाह कोलकाता इन दिल्ली। ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत बात यह है कि यह पिच की लंबाई, इसके पिच की लंबाई तो तय यानी 22 गज होती है, ठीक है, पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता है। हॉकी फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, क्रिकेट में नहीं। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, तो चेन्नई के चपाक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की अपेक्षा छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट स्टंजा। देर इज ए हिस्टिकल रीजन। ओके, देर इज ए हिस्टिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कॉडिफाइड। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉपन अप इन 1744। दे स्टार्टेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंगेस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड्स ऑल डिस्प्यूट्स। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई एंड द बिल्ट अक्रॉस देम 6 inches। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards। नेक्स्ट पेज, 22 yards अपार्ट। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्पलटन इन द 1760s एंड द मैरीबोन क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। इन रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टिमिंग एंड शॉर्ट सेलेक्शंस। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 1/2 to 5 ounces एंड द विड हेल्थ ऑफ द बैट टू 4 inches इन 1774। द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन। बाई 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच एंड दिस ईयर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6-seam क्रिकेट बॉल
ओके, यानी इन दिस सेंटेंस द ऑथर सेज दैट देर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज, यानी इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक रीजन है, ऐतिहासिक कारण है। कायदा कानून से बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था। क्रिकेट के कानून पहले पहल 1744 ईस्वी में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल कप्तान दो अंपायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की होंगी, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा, स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। दुनिया का जो पहला क्रिकेट क्लब हैम्पटन में 1760 के दशक में बना और मेरिलबॉर्न जो क्रिकेट है एमसीसी की स्थापना 1757 में हुई। 1760 और 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे, पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट सेंड पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 औंस तक का हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। पहला लेग बिफोर विकेट पगबांधा नियम, यानी उसमें भी 1774 में प्रकाशित हुआ, यानी पहला लेग बिफोर विकेट जो है पगबांधा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। ओके, प्लीज टर्न ओवर। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम एंड येट फंडामेंटली रिमाइंडेड ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। द बैट इज मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क। इवन टूडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज द ब्लेड विच इज मेड आउट द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और हैंडमेड मटेरियल्स। प्लास्टिक फाइबरग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा है। क्रिकेट के सबसे ज़रूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते हैं। बल्ला स्टंप व गिल्लियां लकड़ी से बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े सुतली ट्वाइन और कॉर्क
कॉर्क से बनती हैं। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी ज़माने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके दो हिस्से होते हैं, ब्लेड या फट्टा जो विलो बैट यानी नामक पेड़ से बनता है और हत्ता जो बैत से बनता है। बैत तब जाकर उपलब्ध हुई जब वह यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक फाइबर शीशा व धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल के को सिरे से नकारा है। ओके, बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज द इन्वेंशन ऑफ वेल्गनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल्स। यानी इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है। ओके, वकीनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने। हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। यानी हेलमेट के बिना तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज स्मॉल कम्युनिटी ऑफ Zoroastrians, the Paris brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize. The Paris founded the first Indian cricket club, the please turn over. Cricket club, the Oriental Cricket Club. इन बॉम्बे 1948 पारसी क्लब वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाई पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वर्डीज। ओके, द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब एंड द पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप सरफेस। व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनियल ऑथोरिटीज वर prejudiced in favor of their white Parsis built their own gymkhana to play cricket in. The rivalry between the Parsis and the Bombay gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. A Parsi team beat the Bombay gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai Nauroji. Okay, yani in this stanza the author says that हिंदुस्तानी क्रिकेट
यानी ये जो हिंदुस्तानी क्रिकेट है, ये हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के जरतुष्टियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। ओके, व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बम्बई में की गई, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ओके, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ओके, पारसी क्लबों के प्रायोजक व वित्त पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभु वर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की, उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब ये साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व बॉम्बे जिमखाना के बीच की जो ये जो स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ, पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ। और जो दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नारोजी जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे और पारसी ही थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन हाउ द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट सी के नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कॉन्टेम्परेरीज लाइक पलवनकार विथल एंड पलवनकार बालू हैव बीन फॉरगॉटन इवन दाउ नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932। His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. Okay, yani in this stanza, author says, लेखक कहते हैं कि आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय और इंटरनेशनल आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है, जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। ठीक है, मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी ही होते हैं। 5 कौड़ीय और चतुष्कौड़ीय मैचों की दौड़ से उन्हें खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सी के नायडू को लोग अब भी याद करते हैं, जबकि पालवनकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिए गए हैं
हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, प्लीज टर्न ओवर, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सोवरेन नेशंस। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेकअप द वेस्ट इंडियाज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, यानी इन दिस स्टैंजा द ऑथर सेज कि भारत ने आज़ाद होने के बाद डेढ़ दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। ओके, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था। ओके, विभिन्न हिस्सों के बीच में खेला जाता था, ना कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच।